हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की जैन और शॉर्टकट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ केक, जो कि बच्चों को तो पसंद आएगा, बड़े भी इसे बहुत पसंद करेंगे और इतना सुपर और फ्लफी बनता है वो आप देख सकते हैं। और एक ही बैटर से हम दोनों तरह का केक बना लेंगे, वेनिला भी और चॉकलेट भी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए जानते हैं इसका रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये आटा बिल्कुल चोकर सहित है, मैंने इस आटे को छाना भी नहीं है, फुल फाइबर वाला आटा है। ये बहुत ही हेल्दी है और इसके जगह आप मैदा भी ले सकते हैं अगर आपको आटा नहीं लेना है तो। अब यहाँ पर मैंने एक जितना आटा लिया है उसका आधा हमने चीनी लिया है। चीनी को मैंने पीस लिया है, उसके बाद लिया है हमें पाउडर के रूप में 1 कप चीनी लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद डालेंगे हम 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सोडा डालना है हमें खाने वाला। और यहाँ पर हम 1 पिंच नमक लेंगे, नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है केक में। अब हमें इसे अच्छे से एक बार पाउडर को मिला लेना है। जो हमने ये पाउडर तैयार किया है इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, कोई भी रिफाइंड ऑयल लें आप, इस जगह पर आप घी भी ले सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया है और उसके बाद मैंने 1/2 कप मिल्क और लिया है, यानी कि टोटल 1.5 कप मैंने मिल्क लिया है। इसे हम अच्छे से डाल के मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लेंगे। दूध आप फुल फैट क्रीम वाला दूध लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैंने 2 अल्मीनियम के टिन लिए हैं, आप देख सकते हैं 2 अलग अलग साइजेस के हैं, एक बड़ा एक छोटा है। यहाँ पर हम लगाएंगे बटर पेपर और उसे हम ग्रीसिंग कर देंगे। ये होममेड बटर पेपर है और इसे आप ग्रीसिंग कर दीजिए। बटर पेपर घर पे कैसे बनता है इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। और ये जो छोटा वाला हमारे पास टिन है उसमें मैं डालूँगी ये वेनिला प्लेन वाला। देखिए, इसको मेरे को जितना फुल करना है मैंने 1/2 डाला है और इसको छोड़ दिया है। अब जो बचा हुआ बैटर है इसमें हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून कोको पाउडर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा कॉफ़ी। जो 1 रुपया वाला सैचेट आता है वो आप डालें कॉफ़ी, और फिर इसको डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, मिक्स करके ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी टाइट है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध और डाला है, 1/4 कप से थोड़ा सा कम। और फिर देखिए, इस तरह का बैटर हमारा रेडी हो जाना चाहिए। और अब हम इसे भी टिन में डाल देंगे और ये दोनों देखिए टैप टैप कर लीजिए ताकि एक लेवल का सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है, 10 मिनट प्री हीट हो चुका है। यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे और लगभग 20 मिनट तक हम इसको 180 डिग्री में बेक करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बनकर तैयार हो रहा है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है, 20 मिनट हो चुके हैं। और इसके ठंडा होने से पहले जब हम इसे निकाल लें बाहर, उसके बाद हमें एक ट्रिक करना है यहाँ पर, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। इसके लिए हमें एक टावल लेना है और उससे इसको कवर कर गर्म में ही हमें रख देना है ताकि ये अंदर से मॉइस्ट और सॉफ्ट रहे। और जब ये 1/2 घंटा हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हम टावल को फिर से बाहर निकाल देंगे। अब आप देख सकते हैं केक हमारा ठंडा भी हो गया और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है केक। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया है तो ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने दोनों केक को डीमोल्ड कर लिया है। अब आप इसे अपने मनचाहे शेप्स में काट लीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई रेसिपीज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं नई नई कोशिश करती हूँ कि आप तक रेसिपीज पहुँचाऊँ। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बनाएं। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून।